वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स इज माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सेक इनवर्स एक्स इज वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. आई होप आई एम करेक्ट हियर. एंड नेक्स्ट इज कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स इज माइनस वन अपॉन रूट ऑफ अगेन द सेम थिंग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन. दैट्स इट. यस, सो दीज ऑल थिंग्स आर इनफ. अगर इतना किया तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव. करेक्ट, ठीक है. सो वेर वॉज आई, आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आई थिंक. यस, सो आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग. सो वट इज लॉग का डेरिवेटिव? दैट इज वन अपॉन एक्स. सो इट विल बी वन अपॉन दैट समथिंग, सेवन एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग. वट इज दैट? सेवन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स. परफेक्ट, दैट्स इट. सो डू आई हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो? नो ना, दैट्स इट. लॉग का डेरिवेटिव है, यहाँ पे जो था उसका डेरिवेटिव लिया. दैट इज माई फाइनल आंसर. ठीक है. वन मोर थिंग वॉज एक्चुअली रिमेनिंग. सपोज यू आर हैविंग इन दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म. सपोज यू आर हैविंग सी वाई इक्वल टू कॉस थीटा एंड एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एंड समबडी आज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड और ऑल्सो फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू. सो हाउ कैन यू डू? एनी बडी, डू हैव एनी आइडिया हाउ विल यू फाइंड दिस? वाई इज इन टर्म्स ऑफ साइन, एक्स इज इन टर्म्स ऑफ वाई इज इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स. नॉट दैट मच ईजी इट मे बी. यस, बट ओके ओके. हाँ वो करते थे, बट डू यू नो वाई वी आर डूइंग दैट? क्यों करते थे वो समझा क्या? मतलब वो मैं पूछ रहा हूँ. दैट इज़ ओके. यू आर सेइंग कि मतलब वी यूज़ टू फाइंड डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा एंड वी यूज़ टू राइट दिस फॉर्मूला. दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज सेम एज डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. डू यू अंडरस्टैंड वाई यू आर डूइंग दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल that is my question. See, if you are doing this with this, so what will you do for this one? Correct. So ye double derivative ke liye koi formula batao mujhe. If you are doing this with this formula, double derivative ko kaise karoge? Are you going to write this aisa, matlab double derivative of y with respect to theta 2 and double derivative of x with respect to, yes, double derivative aise hi karte ho kya? पता नहीं सर, कभी देखा नहीं. डबल डेरिवेटिव आया ही नहीं कभी. पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव नहीं दिखा कभी. किया है तो मतलब ऐसे ही किया है क्या? वो मैं पूछ रहा हूँ. दैट इज रॉन्ग वे. इवन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वे टू राइट, बट ठीक है, चलेगा. तुम लोग के लिए चलेगा सर. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थियोरी बिहाइंड दिस. हाउ कैन यू हैंडल दिस थिंग? करेक्ट. अगेन बिलीव मी, this is same as chain rule. This is nothing else, same as chain rule. I'll just erase it quickly. Maybe I'm having y equal to cos x, I'm having x equal to sin x. Correct. Oh, theta na, theek hai. Now what I want to find, I want to find dy by dx. This is first thing I want to find. Now look at this, that means dy by dx, that is same as cos theta. What do you observe? अभी तक हम लोग chain rule में क्या करते आ रहे हैं? What do you see? If there is something else, तो हम लोग क्या करते हैं? Derivative करते हैं. The next thing what we used to do, जो भी derivative, जो भी x की जगह पे है उसका derivative करते हैं. Do you see? So can I use the same thing, chain rule apply करूँ? So I will just find the derivative of this with respect to theta. That means what I am going to write. अगर मैं quickly write करूँ तो ये देखो cos theta का derivative क्या आता है? That is minus sin theta into d theta by dx. Do you agree? Do you agree? I am using just chain rule. Do you see that? Because it was in terms of x. सो कुछ भी रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, कुछ भी लिख दो यहाँ पे. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ दैट, जो भी वेरिएबल में है उसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो था उसका डेरिवेटिव. डू यू सी दैट?
नाउ डू यू सी, इसी को तुम लोग ने फॉर्मूला बनाया एक्चुअली. माइनस साइन थीटा को मैं ऊपर ही रखता हूँ, इसको मैं डी थीटा बाई डी एक्स को कहना राइट, डी एक्स बाई डी थीटा. यस, एंड वट इज माइनस साइन थीटा, दैट इज एक्चुअली इसका डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज डी वाई बाई डी थीटा है वो. डू यू सी? सो आई एम नॉट गिविंग यू अ फॉर्मूला, आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला. समझा क्या? डू यू सी, ये थोड़ा सा भी डिफरेंट था क्या? इट इज सेम एज योर चेन रूल. आई डोंट हैव टू गिव दिस एज अ फॉर्मूला, आई जस्ट हैव टू सी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ थीटा, नो प्रॉब्लम. आई विल जस्ट फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली, देन आई विल जस्ट डिफरेंशिएट वट एवर एट द प्लेस ऑफ एक्स वॉज, एट द प्लेस ऑफ एक्स आई एम हैविंग दिस, सो आई विल जस्ट डिफरेंशिएट डी थीटा बाई डी एक्स. तो इसको मैं डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकता हूँ, आई कैन फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा. इज दैट ओके? यू अग्री? सो वट विल बी योर आंसर? दैट इज माइनस साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, क्या आएगा? कॉस थीटा ना, सो दैट इज गिविंग मी माइनस टेन थीटा. ठीक है, ओके. सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यू आर गेटिंग दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क सर, ठीक है ये तो ठीक है समझा मेरे को, वट अबाउट डबल डेरीवेटिव, वो कैसे करने का? कैन आई यूज द सेम टेक्निक? वट डू मीन बाई डबल डेरीवेटिव? इट इज डेरीवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट? आई एम ऑलरेडी हैविंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वट इज दैट? माइनस टेन थीटा. डू यू सी? नाउ आई थिंक एवरीबडी नोज वट आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट थिंग. आई सी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा है, सो वॉट शुड आई डू? आई शुड फाइंड डेरीवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा की जगह पे जो भी है उसका डेरीवेटिव. मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? जस्ट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज माइनस टेन थीटा इन टू एक्स की जगह पे थीटा है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट दैट डी थीटा बाई डी एक्स, विच इज सेम एज, अगर देखो तो मैं डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस टेन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, करेक्ट? सो अगर तुमको फॉर्मूला देना है तो दिस इज सेम एज लाइक दिस, डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस टेन थीटा किसका था? डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स एंड डिवाइड बाय डी एक्स बाय थीटा ना, आई एम सॉरी डी थीटा. सो दिस इज अ फॉर्मूला, तो डू नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मूला, ट्राई टू डिराइव इट. दिस इट वॉज क्वाइट ईजी. यहाँ पे मतलब थीटा देखा तो जस्ट डिफ्रेंशिएट ले लेने का डी थीटा बाई डी एक्स. यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन फॉर्मूला, ऑलरेडी वी आर हैविंग सो मेनी फॉर्मूलेस, और अगर फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हो फॉर्मूले तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन मैथमेटिक्स एक्चुअली. सो ट्राई टू अवॉइड फॉर्मूलेज, ट्राई टू डिपेंड ऑन द प्रूफ, वेदर यू आर एबल टू डू द प्रूफ. फॉर्मूला याद नहीं है चलेगा, बट इफ समबडी आस्क यू हाँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ओके आई डोंट नो द फॉर्मूला बट आई कैन डिराइव इट. हाउ कैन आई डिराइव इट? आई विल जस्ट मल्टीप्लाई ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, आई विल सी व्हाट इज कमिंग, दैट्स इट. आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द फॉर्मूला ऑल द टाइम. That is, you should not answer कि नहीं पता. Yes, I can derive it. There is nothing like नहीं पता in mathematics. I don't know. You can get that. The thing is that you should know the technique. How can you go from question to answer? The in between the steps you should know. That's it. So is that clear? समझा ये? Whenever you are having an implicit form, how to deal with this? Start with dy by dx. Put what is y, cos theta है तो cos theta, I am going to use the again chain rule, dx निकालना है here at the place of theta I am having, at the place of x I am having something else, so what I am going to do, I am just going to differentiate this, जो भी term है, cos theta का derivative minus sin theta, multiply by जो भी x की जगह पे जो भी हो, that is d theta by dx, that's it. Is that okay? There are so many problem on practical sheet. तो आई एम नॉट गोइंग टू गो हियर इन डिटेल. वैसे भी प्रैक्टिकल सेट में तुम लोग करने ही वाले हो, देन आई वॉन्ट यू टू आस्क डाउट्स देयर. या इज दैट ओके? डू यू हैव एनी डाउट हियर? कैन यू नाउ फाइंड ट्रिपल डेरिवेटिव ऑल्सो? ट्रिपल डेरिवेटिव क्या रहेगा?
दैट इज इक्वल टू, इट इज डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव, बट डबल डेरिवेटिव इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो डी बाई डी एक्स. सपोज इसका कुछ तो वैल्यू आ रहा है, विल लेट अस क्विकली फाइंड आउट ना. सो टेन का डेरिवेटिव क्या आता है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन, सेक्स स्क्वायर ना, सो इट विल माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा, दैट इज कॉस थीटा. ठीक है, सो आई एम हैविंग दिस वन अपॉन कॉस इज अगेन सेक ओनली, सो इट इज माइनस सेक क्यूब थीटा, सो दिस इज वट आई एम हैविंग. सो वट इज दिस माइनस सेक क्यूब थीटा, क्या करेंगे अगेन, यू सी दिस इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, आई वुड लाइक टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो क्या आएगा ये डी बाई डी थीटा ऑफ जो भी हो तुम्हारा, माइनस सेक्स क्यूब थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स, सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स. अब ये कैसे सॉल्व करोगे, इधर भी यू हैव टू यूज चेन रूल ओनली. ये क्या आएगा, थ्री टाइम्स माइनस आउटसाइड माइनस थ्री टाइम्स sec square x, but at the place of x I'm sec square theta. What is derivative of sec theta? That is sec theta into tan theta, I think. Multiply by and d theta by dx, that is same as dx by d theta. Uska value kya hai? Cos theta hai shayad. dx by d theta, yes. That is cos theta. So, ye solve karo, that's it. Is that okay? Can you handle this now? Implicit. Sorry, this is not called implicit. Implicit means what? You are given an equation, something like this. Suppose you are given x square plus 3y square plus 24xy equal to 0. This is implicit form. पहले हम लोग ने क्या दिखा था, in the question we were given y equal to something in terms of x. But now if you are given this form, then you have to derivate. Differentiate कैसे करोगे, इसका derivative, इसका derivative, इसका derivative. इसका derivative क्या आएगा, डेरिवेटिव विल बी 2x. इसका डेरिवेटिव क्या, अगेन आई माई फोकस इज ऑन x. हियर एट द प्लेस ऑफ x आई एम हैविंग y. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड द डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव विल बी 6y इंटू, यहाँ पे x थोड़ी था, y था, तो आई जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दैट dy बाई dx. ठीक है, प्लस यहाँ पे u इंटू v लगेगा, 24 आउटसाइड, एक्स वाई का डेरिवेटिव x dy बाई dx प्लस y, दैट इज इक्वल टू 0. हो गया, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो थोड़ा सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दो, दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्म एंड द अर्लियर वन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, इज दैट ओके. साक्षी, डू यू हैव एनी डाउट? Yeah, good. Okay, next is higher order derivatives. Do you know what is higher order derivatives? Same, abhi just hum log ne baat kiya. Suppose you are given y equal to x raised to 5. What is first derivative? 5x raised to 4. What is second derivative? 20x cube. What is third derivative? 60x square. What is fourth derivative? 120x. What is fifth derivative? 120. And what is sixth derivative? 0. Do you observe something? Iska order kya tha? Sorry, degree. What is degree? Highest degree kya hai iska? 5. And fifth derivative is constant. Do you see? Matlab koi bhi polynomial hai, agar uska degree n hai, to jo nth derivative aayega, that will be your constant value. Aur uske baad ke sab 0 hi aayenge. Do you observe that? ठीक है, या गुड. आई नीड वन मोर न्यू पेज. दिस आई विल टेक मे बी 10 मोर मिनट्स ऑफ यू गाइस एंड दैट्स इट, देन वी विल स्टॉप. सपोज यू वांट टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, some standard function. Suppose you are given x raised to n.
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं बोलता हूँ एक्स रेज टू की एंड यू वुड लाइक टू फाइंड nth डेरिवेटिव, तो क्या आएगा एम बेटर रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है एम एक्स एम माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, दिस इज एम एम माइनस वन एक्स रेज टू एम माइनस टू, करेक्ट, सो ऑन। व्हाट इज एफ एम थ डेरिवेटिव, एम थ डेरिवेटिव क्या आएगा, कैन समबडी टेल मी। अभी जस्ट हम लोगों ने आई जस्ट गिव यू हिंट कि जो भी ऑर्डर हो तो क्या आता है ऐसा। यस एनी वन, व्हाट इज एफ एम थ डेरिवेटिव, नो इट विल बी कॉन्स्टेंट, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू हमने इट सिंस एक्स रेज टू फाइव लिया था तो लास्ट वैल्यू क्या आया था, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू दैट इज सेम एज फाइव फैक्टोरियल एक्चुअली, दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। डू यू सी यहाँ पे एम आ रहा है, एम माइनस वन आ रहा है, फिर एम माइनस टू आएगा एंड सो ऑन, दैट इज सेम एज क्या आएगा तुमको एम एम माइनस वन एम माइनस टू एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये टू इंटू वन तक, सो आई एम गेटिंग एम फैक्टोरियल। सो दिस इज वॉट आई टोल्ड यू ना इन प्रीवियस एग्जाम्पल, दैट इज जो भी तुम्हारा पावर है उतना डेरिवेटिव ला तो यू विल बी गेटिंग अ कॉन्स्टेंट, दैट इज वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, कि एम्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, आई डोंट केयर कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ रहा है बट इट इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट एंड आफ्टर दैट एवरीबडी इज जीरो, करेक्ट। सो यू कैन सी एफ एंथ ऑफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एन विच इज ग्रेटर दैन एम प्लस वन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एम प्लस वन, और strictly greater than m, you can say that means f m plus 1th derivative will be 0, m plus 2 derivative that will be also 0 and so on, is that okay? Yeah, perfect. Now can you tell me about sin x, suppose f of x equal to sin x and the condition is that I want every derivative should be in terms of sin only, I want every derivative in terms of sine only. That is my condition. What do you mean by that, first of all? See, what is first derivative? Sin x ka first derivative? Cos x. But I don't want that. I want it in terms of sine. Cos ko bhi mujhe sine mein chahiye. So can I write it as sine pi by 2 plus x? Yes, can I write sine 90 plus theta? Chahiye to I can just take you a remedial lecture for trigonometry, pura trigonometry to me explain kar dunga. If you want, I can take a remedial lecture maybe. Yes. Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah. So is that clear? मतलब मैंने cos x को I can make sin x. That is sin 90 plus theta. Okay. What about next derivative? F third derivative, F second derivative of x. What is F second derivative of x? Cos x का value क्या आता है? Or you can take the derivative of this guy also. Sin of ये इसका derivative क्या आएगा? Cos of 90 plus x. But again, I want in terms of sin. I want in terms of sin. Can you tell me what should I do? I want in terms of sine. One 180 plus x, very nice. That is, can I write it as 2 pi upon 2 plus x?
Do you observe the pattern? What I am going to do now? F third derivative. It will be what sine cut derivative cos. Correct? Cos of 2 pi upon 2 plus x. What can I do? I want to write in terms of sine. I need to add one more pi by 2 with this, na? Perfect, perfect, very nice. I need to add one more pi by 2, then only sine will change into cos. So it will be sine 3 pi by 2 plus x. Correct? So can you tell me in general, nth derivative kya aayega? Yeah, sine n pi by 2 plus x. Correct? Similarly, can you tell me about cos x? What is first derivative? I would like to write it in terms of cos. Cos of something, tell me what. Yes, I would like to write in terms of cos again. So can I write again? Matlab, let us try to guess. Suppose my pi by 2 plus x hi rakha to kya hota hai? Suppose maine put kaya sin cos of pi by 2 plus x. What am I getting? Cos 90 plus theta kya hota hai? Am I correct? That is same as minus sin x. Yes, am I correct? Perfect. Cos of 90 plus theta, that is minus sin x. So this is my, what is derivative of cos again? It will be again minus sin of 90 plus x. Can I write again in terms of cos? Kya likhu? Can I write it as 2 pi by 2 plus x? Just check. Just check whether you are getting this. Both the things are same or not. That is quite easy to see. Ye kya hai? Pi by 2 plus the whole term. Pi by 2 plus theta, again it is giving me in the second quadrant only. Agar main ye isko angle mana. That means what? What I am saying? I am just going to write it as pi by 2 plus the whole term. Pi by 2 plus x. So again for me, it is in second quadrant only. I don't care about this guy. So again, ye negative of sine aayega. So that is perfect. So what is nth derivative? Cos n pi by 2 plus x. Very nice. ठीक है ओके एंड e raised to x तो पता ही है आई डोंट हैव टू टेल यू अगर अपने पास e raised to x है तो क्या करने का बोलो यू कैन टेल इट इजीली फर्स्ट डेरिवेटिव बोलो e raised to x log a सेकंड डेरिवेटिव e raised to x log e raised सेकंड डेरिवेटिव e raised to x log a द होल स्क्वायर ना What is nth derivative? Yes. What is nth derivative? Log e raised to n. Very nice. ठीक है? That's it. So why am I saying this whole thing to you? Because later on we are going to see. What about product, nth product? Suppose nth derivative की बात करते हैं. Let me just write a statement of the theorem. Then we'll talk about that. Let I be an interval and u is a function from I to R and v is a function from I to R. These are the two functions u and b. Suppose u and v possess
is nth order partial derivative, or sorry, not partial derivative, nth order derivative on I, then u plus v and u plus v and k times u also with nth order partial derivative. Again, partially complex analysis सिखाते सिखाते मेरे को partial derivative की आदत पड़ गई. Okay. Where this k is a real number, you can say k belongs to R. And what I am having, but I want to prove u plus v nth derivative is same as u nth derivative plus v nth derivative. ठीक है. And second thing I would like to prove is k times u का nth derivative, that is same as k u n. I am not writing power, क्योंकि power लिखूंगा तो that will be तुमको लगेगा u का power n है, so it is better to write a suffix. So u plus v n, that means what, nth derivative I am talking about. So can you prove these two things? That is quite easy. Because why this is easy? Just you have to do it by induction. जब भी n के लिए prove करना है तो it is with the induction. ठीक है. इज दैट क्लियर? कैन यू डू दैट? इट इज जस्ट अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. देखो, एंड इट फॉलोज फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. एंड फॉर द प्रोडक्ट, मे बी इफ आई टेक 5 मोर मिनट देन आई कैन डू दैट ऑल्सो. For product, now your question should be, sir, what about u v ka nth derivative, whether it is same as u n v plus v n u, aisa kuch hai kya, whether this is same? No, the answer is no. So there is a guy, Leibniz, Leibniz rule for higher order derivative of product. Of product. What this guy is saying, again same thing, u and v are having this. मैं directly लिख रहा हूँ, वो जो same condition पीछे लिखा था, same u and v are function and having nth derivative, then u v का derivative it will be what, n c 0 u and v 0 plus n c 1 u n minus 1 v 1 प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस सो ऑन सो ऑन, इट विल बी एन सी एन यू जीरो वी एन. यू सी, इट इज क्वाइट सिमिलर टू योर बाइनोमियल एक्सपेंशन. सिंस तुम लोग ने इंडक्शन पहले से किया है, अगेन दिस इज ऑल्सो होमवर्क टू यू. These two things are homework to you. You try to prove this. Do you know what is induction ka step? Toh yaad hai na? I hope there should not be any issue in that. Can you do that? Yes, try that and send me your solution if you are getting that. Theek hai? Yeah, good. So yeah, so कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, और maybe I should stop here. Complete the proof in the next class. If you have any doubt, ask me, and maybe I'll just give you some examples to solve. Find third order derivative of a function say e raised to 2x sine of
3x plus 7. So do you see this is product of two function u and v. So what is u v ka third derivative? It will be 3c0 u3 v0. V0 matlab koi bhi derivative nahi hai, ye yaad rakhna. Maybe I should mention it here. U0 means what? U0 is same as u, v0 is same as v. ठीक है, मतलब डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं. यू वन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यू टू मतलब सेकंड डेरिवेटिव, यू एन मतलब nth डेरिवेटिव. सो अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो इट विल बी थ्री सी जीरो यू थ्री वी जीरो प्लस थ्री सी वन यू टू वी वन प्लस थ्री सी टू यू थ्री वी करेक्ट थ्री सी वन थ्री माइनस टू. सो इट विल बी यू वन, इट विल बी यू वन वी टू प्लस नेक्स्ट इट विल 3c3 u0 v3. जस्ट तुमको क्या निकालना पड़ेगा, u का u इज अ फंक्शन तो u0 इज सेम एज u, u1 निकालो u2 निकालो u3 निकालो. यू डिसाइड u किसको चूज करोगे v किसको चूज, दैट इज नॉट एन इशू. सिमिलरली v0 निकालो v1 v2 एंड v3, दैट्स इट. ठीक है, is that okay? So this is called Leibniz rule. So that was actually last topic of your unit 2. So in the next class I'll be doing some more examples, then we'll start with unit 3. And unit 3 bhi tumhara familiar hi hai, mean value theorem, that is Rolle's theorem, LMVT and L'Hopital rule, Taylor's theorem. So everything is similar to you. There is nothing new. Take care. So this is a practical. Yeah, yeah. This one. Yeah. Okay, thank you so much everyone.